कुछ पता चला? हाँ, विशाखा किसी विक्रम नाम के लड़के से प्यार करती थी, और जहां तक मेरा यकीन है, विशाखा के पेट में जो बच्चा था वो विक्रम का ही था। मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला वो दिल्ली की किसी जेल में था, और कल रात को ही उसे किसी ने जमानत दे दी। मैंने जानने की कोशिश की कि जमानत किसने दिलाई है, तो कहा गया कि शांतनु नाम का कोई व्यक्ति था। क्या ये वही शांतनु है? पर शांतनु विक्रम की जमानत क्यों करवाएगा? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप तो उसके घर का पता जानते हैं ना, आप मुझे पता दीजिए ना, मैं उनके घर जाकर उनसे पूछती हूँ। वो गुलमोहर रोड पर बंगलो नंबर 23। मैं अभी दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, और अगर भगवान ने चाहा तो मैं विक्रम, क्या मैम आप देख के नहीं चल सकती हो? माफ कीजिए मैम, मेरा इंपॉर्टेंट फाइल है, तो प्लीज हेल्प कीजिए। जी जी मैं चलती हूँ। विक्रम, क्या बात है मैम, आप कुछ काम है? जी वो माफ कीजिए, मैं आपको कोई और ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता, वो विक्रम ही था। लेकिन लेकिन वो गया कहाँ? अब मुझे जल्द से जल्द शांतनु जी के घर पहुंचना ही होगा। बहन जी, ये बंगला नंबर 23 किधर होगा? यही तो सामने। जी धन्यवाद। शांतनु जी, शांतनु जी, जी मैम, जी शांतनु जी घर पर है? जी हाँ। अब जी उनसे कहिए ना कि राधिका राज पुरोहित मिलने आई है। हाँ एक मिनट। मैम साहब ऊपर हैं, आपको ही बुलाया है। अब जी हाँ आइए। मेरी पत्नी, तकदीर के खेल बड़े निराले हैं ना, एक चेहरा दो रूप।
अभी अभी मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था, आप कुछ देर पहले आती तो आपको मिलवाता उससे। मैं अभी भी उससे ये शायद वो अपना लाइटर यहीं भूल गया। हाँ ये लाइटर तो उसी का है, उसके नाम का पहला अक्षर है इस पर वी। विक्रम, विक्रम, विक्रम आपका दोस्त है? बताइए ना, देखिए मुझे विक्रम से बहुत जरूरी काम है। विक्रम? कौन विक्रम? मैं किसी विक्रम को नहीं जानता। विक्रम, देखिए मैं किसी विक्रम को नहीं जानता। मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी, आप कैसे विक्रम को जानेंगे और फिर आप उसे क्यों जमानत दिलाएंगे? मुझसे ही गलती होगी, मैं चलती हूँ। राधे राधे। आप कुछ परेशान लग रही राधिका जी, मुझे बताइए ना बात क्या है। नहीं नहीं मैं चलूंगी। शांतनु जी, मैं कॉल बैक करता हूँ। शांतनु जी अब कहाँ जाना है आपको, बताइए ना, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर देगा। आपने तो कहा था आप किसी विक्रम को नहीं जानते, तो फिर ये इसकी बात कर रही हैं आप? इसे तो मैं विक्की बुलाता हूँ, आप इसे कैसे जानती? मैं इसे ही तो ढूंढ रही थी। विक्रम तुम मेरे साथ चलोगे ना, तुम वृंदावन चलोगे ना मेरे साथ? मैं मानती हूँ एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हें विशाखा से दूर करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये सब एक मिनट, आप हो कौन? मैं राधिका, विशाखा की बहन। अभी विशाखा कौन है? विशाखा शास्त्री, जिससे तुम प्यार करते थे और शायद शादी भी करना चाहते थे। शादी? शांतनु भैया कैसी बातें कर रही हैं? कौन है? मतलब तुम इन्हें नहीं जानते? नहीं, मैंने तो इन्हें कभी देखा भी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम मुझे जानते हो, मैं तुमसे मिलने आई थी ना, मैं तुमसे कहने आई थी कि तुम विशाखा के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। और फिर उस वक्त पुलिस आ गई थी और तुम्हें पकड़ के ले गई थी। सॉरी शांतनु भैया, मुझसे रहा नहीं गया, आई एम अ बैड एक्टर। तो कहिए राधिका जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ओह बाय द वे, मुझे पता है मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कि मैं उस धर्म सभा के सामने जाके ये बोलूं कि विशाखा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, राइट? राइट? तुम धर्म सभा के बारे में कैसे जानते हो? वो बच्चा मेरा ही था। पर ये अलग बात है कि मुझे वो बच्चा चाहिए नहीं था। लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि
कि उस बच्चे का बाप मैं ही हूं, क्योंकि एक बार विशाखा ने मुझे एक प्रेम पत्र लिखा था। इसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तो तुम मेरे साथ वृंदावन चलोगे ना? चलोगे ना वृंदावन? बताओगे ना सबको कि वो बच्चा तुम्हारा था? मेरे पति को निर्दोष साबित करोगे ना? बोलो। I'm sorry, मैं चुप रहूंगा। ना तो मैं आपको जानता हूं और ना ही विशाखा को। पर ये सच नहीं है। तो मैंने कब कहा कि मैं सच बोल रहा हूं? मैं सच कहूंगा तो सिर्फ एक आदमी के लिए, शांतनु भैया के लिए। हाँ राधिका जी, विक्रम वही कहेगा जो मैं उसे बताऊं, वही करेगा जो मैं उसे बोलूं। पर मेरी समझ में ये सब नहीं आ रहा है। आपने खुद अपने आप को हमारा दोस्त माना था और कुछ देर पहले आप मुझसे मेरी परेशानी पूछ रहे थे, और अब मुझे पता चल रहा है कि आप धर्म सभा के बारे में सब कुछ जानते हैं। और विक्रम, 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 विक्रम रुको, विक्रम, विक्रम, विक्रम रुको, विक्रम को वापस बुलाइए ना, उसे मेरे साथ वृंदावन जाना है, उसे धर्म सभा में गवाही देनी है। बुलाता हूँ, बुलाता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि विक्रम देव को बेगुनाह साबित कर सकता है। जूस पिएंगे आप? विशाखा भी कर सकती है, पर वो सबके सामने बदनामी क्यों उठाएगी? इसीलिए मैं विक्रम को जमानत पर छुड़ाकर घर ले आया। बहुत अच्छा लड़का है और एक ही दिन में काफी दोस्ती हो गई। आपने देखा ना कितनी इज्जत करता है मेरी, भैया कहकर बुलाता है। वो मेरी हर बात मानेगा। फिर आप उसे हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं? आप तो हमारे परिवार के हमदर्द थे ना। दरअसल मैं देव को बर्बाद कर देना चाहता हूं। शर्मदान करना पड़ रहा है ना उसे मठ में, उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। रोटी रोटी के लिए तरसेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। आप तो जानते हैं ना वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। ये जानते हुए कि आपकी पत्नी की सूरत मुझसे कितनी मिलती है, उन्होंने हमेशा आपके साथ हमदर्दी जताई, तब वो ये नहीं जानते थे कि आप उनका बुरा चाहते हैं। वो तो ये सोच सोच कर परेशान होते थे कि आपकी पत्नी आपसे बिछड़ गई है। पत्नी? ये मेरी पत्नी? मुझे इस पत्नी का कोई दुख नहीं, क्योंकि ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। ये सब आपकी तस्वीरें हैं राधिका जी, आप और आपके पति अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। तो हमें इस बात की सजा मिल रही है कि हमने आप पर विश्वास किया, हमारे भले होने का आपने भला। ए, उसने मुझसे क्या छीना है ये आपने जानते, मैं भी उससे
उसका सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ। ऐसा क्या किया है उन्होंने? क्यों आप उनकी खुशियां छीनना चाहते हैं? देखिए, अगर उन्हें दंड मिल गया तो पूरे परिवार पर असर होगा उसका, और जिस परिवार ने आपको बेटा मानकर पूजा में शामिल किया, क्या आप उस परिवार के साथ बुरा होते हुए देख सकेंगे? जरूर देख पाऊंगा, और वो देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा बदला तभी पूरा होगा। बदला? हाँ, बदला। मैं पुरोहित परिवार को सड़कों पे देखना चाहता हूं। उनसे राज पुरोहित ही छीनते हुए देखना चाहता हूं। जब वो एक वस्त्र में पुरोहित सदन से बाहर निकल जाएंगे, तब मैं जश्न मनाऊंगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दुश्मनी है आपकी उनसे? क्या बिगाड़ा है मेरे परिवार ने आपका? बताऊंगा, ये बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगा मैं आपको। हाल फिलहाल तो मैं इतना जानता हूं कि देव को बेगुनाह साबित करना है, और विक्रम कुछ शिमला जाने की बात कर रहा था आज सुबह। अगर ऐसा हो गया तो मुझे नहीं लगता कि परसों तक वापस आ पाएगा। नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत करिए, अभी विक्रम को वापस बुलाइए। आपकी जो भी दुश्मनी है, आपकी जो भी शिकायत है, मेरे परिवार के साथ बैठकर आप सुलझा सकते हैं, लेकिन अभी अभी आप विक्रम को वापस बुला लीजिए ना। उसे कहिए ना कि वो मेरे साथ वृंदावन चले, उसे गवाही देनी है, मुझे मेरे पति को निर्दोष साबित करना है, उसे कहिए ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आपके पैर छूने से मुझे क्या मिलेगा? अगर आप पुरोहित परिवार को बर्बाद होने से बचाएंगे तो ये एहसान हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। परिवार क्या कर सकता है क्या नहीं, ये दूर की बात है। आप बताइए आप क्या करेंगे? बहुत ही छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि बोलिए, मंजूर है?